एक दिन पत्नी पीहर चली गई, बहुत रोया कि तू मुझे छोड़ के मत जा। पत्नी ने कहा, यार तुझे शर्म नहीं आती है? इतना तो मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई, जब नहीं रोई जितना तू रोता है। बोले, देख रखना तू लौट के कब आएगी, तू जानती है मैं तेरे बिन ना रह पाऊंगा। रत्नावली ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखो, मैं जाऊंगी कहां, लौट कर तो यहीं आऊंगी। नहीं रत्ना, तेरे बिन जीना मुश्किल है। विचार करिए, सोचिए आप। बोले कि रत्नावली, मैं तेरे बिन नहीं जी सकता हूं। रत्ना ने कहा, धैर्य रखो, दुनिया क्या कहेगी, मैं जानती हूं कि तुम मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हो, लेकिन थोड़ी समाज की व्यवस्थाएं भी देखना पड़ती हैं, मुझे पीहर जाना होगा। चली गई पीहर। बरसात के दिन, अमावस की काली रात, 12 बजे रात तक सो ना पाया। 12 बजे रात को भागा ससुराल की तरफ। एक बार तो मैं रत्ना को देखे बिना सो नहीं सकता हूं, जी नहीं सकता हूं, मुझे जाना होगा। मूसलाधार बारिश, वो कोई दिल्ली तो थी नहीं कि पूरा चौमासा बीत जाए और पानी को तरस जाए, वहां तो मूसलाधार झमाझम बारिश हो रही थी। अमावस की काली रात, बिजली चमक रही है। दौड़ा दौड़ा भागा, भागते गया, क्या देखता है कि नदी उफान पर है। सावन भादों की बरसात और नदियों का उफान, तटों को तोड़ करके बह रही है नदी। देखा कि मुझे जाना तो जरूर है, लेकिन जाऊं कैसे, रात को 12 बजे कौन मुझे उस पार करेगा। नदी पूरे जोश में है, नदी पूरे उफान में है। आओ देखा ना ताओ, ध्यान रखना, जब भीतर प्यास जगती है, लगन लगती है, तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया करता है। अरे भूख ना देखे जूठा भात, प्यास ना देखे धोबी घाट, और नींद ना देखे टूटी खाट। ध्यान रखिए, प्रेम जग गया रत्ना के प्रति। क्या देखता है वो, दूर नदी के किनारे कुछ नाव है, बैठा, नदी पार करके उस पार पहुंच गया। जैसे ही उस पार पहुंचा, 12:01 बज रहे हैं, सन्नाटा है पूरे गांव में। कोई बहुत बड़ा शहर ना था वो, गांव में कीचड़ों में कीचड़ को फांते कूदते पहुंचा ससुराल में। क्या देखता है कि खिड़की खुली रखी है। मनी मन सोचता है कि रत्नावली, तू भी मेरे बिना नहीं रह सकती है, तू भी तो मेरा इंतजार कर रही है ना, इसलिए तो खिड़की खोल करके सो रही है। दरवाजे से जाऊं तो सास ससुर क्या कहेंगे कि 1 बजे रात को तू चला आया, कैसे जाऊं ऊपर। एक टिमटिमाता सा दिया मध्यम सा जल रहा है, खिड़की ऊंची है, चढ़ूं तो कैसे चढ़ूं। एक रस्सा लटक रहा है, रस्सा पकड़ करके चढ़ गया ऊपर, खिड़की से अंदर कूदा। रत्नावली, देख मैं आ गया हूं। रत्नावली ने कहा, कौन, मैं स्वप्न देख रही हूं या हकीकत है। बोले, देख मैं आ गया, मैंने कहा था ना कि मैं तेरे बिन ना रह पाऊंगा। रत्नावली ने देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई। अमावस की काली रात, झमाझम बरसात, नदियों में उफान। रत्ना ने कहा, तू इतने बजे कैसे आ गया। अरे आना था पागल तो दिन में आ जाता, ये चोरों की तरह क्यों आया है। तू आया कैसे, दरवाजे तो सारे बंद हैं, तू कमरे के अंदर कैसे आ गया। रत्नावली, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और तू मुझसे पूछ रही है कि मैं कैसे आया हूँ। अरे तूने ही तो खिड़की में रस्सा लटका रखा है ना, तुझे भी मालूम था कि मैं तेरे से मिलने जरूर आऊंगा। देख तूने रस्सा लटकाया है, मैं रस्से को पकड़ करके ऊपर आ गया। रत्ना ने कहा, मैंने रस्सा लटकाया, मैं क्यों रस्सी लटकाऊंगी, मुझे क्या मालूम कि तू यहां चला आएगा। झांक करके खिड़की में से देखा रत्नावली ने, अरे रस्सा नहीं, वो अजगर सांप लटका हुआ था, जिसे रस्सा समझ करके ऊपर चढ़। रत्नावली ने कहा, इतना प्यार करता है मुझसे कि सांप को रस्सी बना लिया। और उभरती नदी में कोई नाव ना थी, कोई मुर्दा तैर रहा था, मुर्दा अर्थी सहत तैर रहा था। मुर्दे को नाव बना करके पहुंच गए तुलसीदास अपनी पत्नी के पास। रत्नावली ने देखा, इतना प्यार, इतनी चाहत, खरे मूर्ख नादान,
बैठे। ध्यान रखना, बड़ी विचित्र स्त्री रही होगी रत्नावली। आज की स्त्री होती तो कहती इतना प्यार करता है, यही तो चाहते हैं कि पति मेरी मुट्ठी में रहे और मेरे इशारों पर नाचता रहे। कोई मरण धर्मा स्त्री होती तो कहती कौन से जन्म का पुण्य था जो मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ है। वो कोई साधारण स्त्री ना रही, उसने देखा और कहा कि मूर्ख रत्नावली, मैं मूर्ख, देख इतना प्यार तो दुनिया में कोई किसी को ना करता होगा। रत्नावली ने कहा यही देख करके तो हैरान हूं, ऐसा प्यार में डूबा है कि सांप को रस्सी बना लेता है और मुर्दे को नाव बना लेता है और तैर करके आ जाता है। अरे अनपढ़ गंवारिये, जितना प्यार मुझसे करता है इतना राम से कर लेता तो तेरा उद्धार हो जाता, तेरा कल्याण हो जा। मेरे पीछे लगा है हाड़ मांस का पोटला, इतना प्यार श्री राम से कर तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इतनी चोट लगी कि जिसके लिए मैं सब कुछ करके आया, जिसके लिए मैंने तूफान और आंधियां पार की, वो पत्नी कहती है मूर्ख, जितना प्यार इस मरण धर्मा से करता है उतना प्यार अपने ईश्वर से करके देख जा। यदि थोड़ी भी शर्म और लज्जा तेरे अंदर मौजूद है तो जा करके उस परमात्मा से इतना प्यार कर ले। विचार करिए, साधारण से स्त्री से प्रेम, जा अपने प्रभु से प्रेम कर। एक चोट लगी भीतर, ध्यान रखना जब दीवानगी होती है, जब प्रेम होता है, लाख दुनिया समझाए समझ में नहीं आता है, गुरु समझाए तो भी समझ में नहीं आता है, इसको भी नहीं आ रहा ना आएगा जिंदगी में समझ में। विचार करिए, सोचिए आप, समझ में ऐसे नहीं आता है। मालूम है समझ कब आता है? कि जिसके पीछे पड़े हो, जिसके प्यार में डूबे हो, जब वहीं से लात पड़ती है तब समझ में आता है कि जिंदगी में हकीकत क्या हुआ करती है। रत्नावली परेशान हो गई, कितना प्रेम, जा ईश्वर से कर। चोट लग गई, ऐसा बोलती है रत्नावली कि मरण धर्मा स्त्री से प्रेम करने वाला ईश्वर से प्रेम करे। क्या होते हैं ये नाम? रत्ना ने कहा कि जा, इतनी सी भी शर्म हया और इज्जत मौजूद है, लज्जा मौजूद है तेरे भीतर, तो निकल जा इसी रात मेरे घर से बाहर। ध्यान रखना, एक शब्द चोट कर गए, चले गए जंगल में। अब रत्ना नहीं, हालांकि रत्ना भी रा से शुरू होता है और राम भी रा से शुरू हुआ करता है, लेकिन दोनों के नाम में बड़ा अंतर होता है। रत्ना रत्ना जपता है तो संसार में भटकता है और राम राम जपता है तो बेड़ा पार हो जाया करता है। राम राम जपने बैठ गया, सकल कामनाओं को देता चुनौती चला वियोगी, पत्नी के वियोग में डूबा, सकल कामनाओं को देता चुनौती चला वियोगी, काम कामना और कामनी से निंदित होकर उपयोगी, बुझ जाती हृदय की प्यास, अगर गले लग जाती रत्ना तो कैसे होते तुलसी हुलसी सुत तुलसी दास, अगर मिट जाती प्रेम पिपास। ध्यान रखिए, विचार करिए आप, राम राम जपा, जो तुलसी नहीं जानते राम को, एक दिन तुलसी ऐसे हुए कि तुलसीदास से पूछा कि राम मिले या ना मिले, आप क्या बने अपने जीवन में? तो तुलसीदास ने कहा कि तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास, तुलसी तो एक पौधे का नाम है, अरे तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी दास। ध्यान रखिए, सफलता है, एक पत्नी के वचन ने जीवन को मोड़ के रख दिया। अरे जीवन को बदलने के लिए पेड़ से टूटा हुआ पीला पत्ता वो भी तुम्हारे लिए ब्रह्म वाक्य बन सकता है, और कभी कभी पीला पत्ता और मुर्दे और गुरु तो छोड़ो, कभी ऋषभ देव के लिए अप्सरा नीलांजना की मृत्यु ब्रह्म वाक्य बन करके खड़ी हो जाया करती है। कौन सा वाक्य तुम्हारे जीवन को बदल दे कुछ कह नहीं सकते। सफलता की श्रेणियों पर चढ़ना है, सीढ़ियों पर,
हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, लेकिन कभी देखा है कि तुलसीदास ने कामयाबियों के लिए ऐसा जुनून पैदा किया कि सांप को रस्सा और मुर्दे को नाव समझने का संघर्ष भी उन्होंने सहन किया। संघर्ष के बिना कामयाबियां कभी नहीं मिला करती हैं। सफलताओं की सीढ़ियां को चढ़ना है, कई बार गिरते हैं कई बार उठते हैं। मेरे भाई, आप भी यदि अपने बचपन में चलना सीखे हैं तो एक बार में चलना नहीं सीख गए हैं, कई बार घुटनों के बल चले हैं, कई बार गिरे हैं, कई बार मुंह टूटा है, कई बार टकराए हैं, तब जाकर के उंगली पकड़ के गाड़ी पकड़ के चलना सीखा है।